स्टूडेंट 2.5 का 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज किया जाना है कि नहीं। तो इसको ए क्यूब बनाएंगे, कैसे, 3p ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और पावर 3 करेंगे, है कि नहीं। तो ये कितना आता है, इतना आता है। अब अगर 3p को ए लेट करेंगे तो इसको क्या बनेंगे, ए क्यूब। तो इसका ए क्यूब फॉर्म कितना आएगा। इसी तरह से इसको बी क्यूब बनाएंगे और इसको बनाएंगे 3a² b, है कि नहीं। ए के लिए कितना लेंगे, 3p, और बी के लिए 1/6। इसको बनाएंगे 3ab², ए के लिए 3p लेंगे और बी के लिए 1/6। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, तो ये ए क्यूब के फॉर्म में, ये बी क्यूब, ये 3a² b, और ये है 3ab², है कि नहीं। तो होल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab². तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिख देंगे तो ये तीनों क्या होगा, इसका फैक्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, है ना, इसको फैक्टराइज किया जाना है। इसको हम a क्यूब बनाएंगे, कैसे, 3x को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, पावर 3 कर देंगे, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे इतना आता है। अब यदि 3x को हम ए लेट करेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए क्यूब। इसका मतलब इसका ए क्यूब फॉर्म होगा इतना। इसी तरह से इसको बी क्यूब बनाएंगे, इसको सी क्यूब, जहां ए का वैल्यू क्या होगा, 3x, ए के लिए कितना लेंगे, 3x, बी के लिए y लेंगे और सी के लिए z। इसको बनाएंगे 3abc, इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है, है कि नहीं। तो ये होल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जहां ए है 3x, बी y है और सी z है, इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, है कि नहीं। ये एज इट इज हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से 8 और 11 का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।